हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना दोस्त विनोद शर्मा आज अपने एक नए ब्लॉग शूट करने के लिए जा रहा हूं मानसा से बठिंडा। तो देखते हैं कि मानसा से बठिंडा कितना दूर पड़ता है और रास्ते में क्या क्या आता है। अभी हम लोग मानसा से निकले हैं, ये देखिए सभी लोग हमारे साथ में हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमें रास्ते में देखिए प्रसाद में मीठे चावल मिले हैं। यहाँ पे गौशाला वाले लोग मीठे चावल बांट रहे थे प्रसाद में। तलवंडी साहब से थोड़ा सा आगे बठिंडा के रास्ते में हमने सोचा थोड़ा प्रसाद खा लिया जाए। तो चलिए, कुछ आप लोगों के लिए भी ले लिया है, मिल बांट के खाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बठिंडा पहुंच चुके हैं और बठिंडा में हम लोग बठिंडा पावर जनरेशन का यहाँ पीछे थर्मल प्लांट है। अभी उसका जहाँ डैम पे पानी जाता है उसी डैम पे यहाँ बोटिंग होती है। यहाँ पे एक छोटी सी झील बनाई हुई है, अभी हम लोग वहाँ पे हैं। तो चलिए देखते हैं कि झील कितनी बड़ी है यहाँ और बोटिंग यहाँ पर कितनी मस्त होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग बठिंडा लेक पहुँच चुके हैं और वो पीछे आप जो कूलिंग टावर्स देख रहे हैं वो यहाँ के गवर्नमेंट प्लांट के कूलिंग टावर हैं। बठिंडा में पंजाब गवर्नमेंट का प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट। अभी हम उसी के डैम पे पहुँचे हैं, यहाँ डैम पे बोटिंग होती है। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये बोटिंग वाला प्लेस है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग झील के ऊपर में खड़े हैं और यहाँ पे हमें यहाँ पे झील पे हमारे एक दोस्त मिले हैं। तो चलिए उनसे पता करते हैं कि झील में एक बोट में एक टाइम में कितने लोग जा सकते हैं और क्या क्या उनके चार्जेज रहेंगे, कितने एज तक के बच्चे जा सकते हैं और टोटल यहाँ के लेक की गहराई कितनी है। तो चलिए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। सर, आपका नाम? रोम बहादुर। इनका नाम बहादुर जी है। तो बहादुर जी, हमें बताइए कि झील की गहराई कितनी है? 25-30 फुट अप्रोक्सीमेट। वैसे 40 फुट इसका डाटा है यहाँ का। और दूसरा, चलिए इनसे बोटों के बारे में बात करते हैं। आपके पास में कौन से बोट हैं? हमारे पास स्पीड बोट, नॉर्मल बोट, इलेक्ट्रिक बोट, जलपरी, सारे। इनके पास में जलपरी, नॉर्मल बोट, इलेक्ट्रिक बोट, बहुत सारी बोटें हैं। और बोट में अगर पर पर्सन कितना चार्ज रहता है? बोट पे की अलग अलग, स्पीड बोट का अलग रहते हैं, नॉर्मल बोट का अलग है। नॉर्मल बोट में जो पैर से चलाने वाली रहती हैं वो रहती हैं और इलेक्ट्रिक बोट आपकी स्पीड बोट में आती हैं। ऐसा ही है, स्पीड बोट और फास्ट वाली, दूसरा इलेक्ट्रिक बोट, दूसरा नॉर्मल वाली, पैडल बोट और दूसरा।
तो दोनों का चार्जेस क्या रहेगा? पैडल बोट का 125 रुपये पर पर्सन है, मोटर बोट में नॉर्मल बोट में 225 रुपये नॉर्मल बोट का है, एक सौ पच्चीस और 225 रुपये चार्जेज है इनका। और दूसरा, आप लोग अगर आना चाहते हैं तो यहाँ आराम से आ सकते हैं। तो चलिए, बाकी अभी हमने यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पार्क और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, उधर बच्चों के लिए पार्क है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने बहादुर जी से जाना कि एक बोट में कितने पर्सन का कितना चार्ज लगता है। 125 लगता है। तो बोट यहाँ अलग अलग हैं, जैसे कि मैनुअल बोट हैं जो पैर से चलती हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक बोट हैं। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ दूसरा यहाँ आसपास में जो पार्क है उसको देख लेते हैं। और यहाँ पे कैंटीन भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे में, यहाँ सभी चेयर्स लगे हैं और इधर कैंटीन है। कैंटीन में आपको खाने की सभी चीज़ें मिल जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर। उधर ही यहाँ कैंटीन से थोड़ा सा आगे वहीं पर टिकट काउंटर है। तो चलिए अभी हम लोग पार्क साइड जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर पार्क भी बना हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, सामने आप पंजाब गवर्नमेंट का प्लांट भी देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी झील है, और स्पेशली एक्चुअल में ये झील नहीं है, ये जो पावर प्लांट के लिए जो डैम बनाया हुआ है उसी में यहाँ लोगों ने एक एंजॉयमेंट के लिए झील बना दिया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको भटिंडा झील से जुड़ा यह हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो जानकारी हमारे दूसरे फ्रेंड्स तक भी पहुँच पाए, और जो लोग यहाँ इंजॉय करना आना चाहते हैं वो अपने बच्चों के साथ आराम से यहाँ घूमने आ सकते हैं। यहाँ बोटिंग करना, साथ में पार्क, बच्चों खेलने के लिए, और दूसरा एक फैमिली के लिए अगर हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं फैमिली के साथ में। जैसे आजकल सब लोग जॉब करते हैं या अपना सेल्फ बिजनेस करते हैं, बट फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो टाइम स्पेंड करने के लिए यह एक अच्छा प्लेस है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।